साथ महसूस होता है? मुझे लगता है हम सब बहुत ज्यादा जिम्मेदार हैं अपने देश के प्रति. हम लोग देशभक्ति की बातें करते हैं, हम कहते हैं हमारी गवर्नमेंट कुछ काम करे, हमारी गवर्नमेंट ये करे वो करे. हमें बड़ी आशाएं और एक्सपेक्टेशंस होती हैं, लेकिन एक्सपेक्टेशंस तभी पूरी हो सकती है जब हम अपने घर से बाहर निकले, इसे हॉलीडे न समझे और जाकर वोट डाले. तो मैं ऑल द वे मुंबई से यहाँ आई हूँ ताकि मैं लोगों को बता सकूँ कि मुश्किल नहीं है एक दिन निकाल के, इनफैक्ट 5 मिनट निकाल के वोट डालना, और उस एक वोट से आपका देश वैसा बन सकता है जैसा कि आप चाहते हैं. सो आई थिंक हम सबकी जिम्मेदारी है. हम इसे पहले हक 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 कहते थे, लेकिन अब हमारे घर में बहुत ज्यादा साल हो चुके हैं जब आप किसी कंट्री हो गए. अब ये सिर्फ हक नहीं, एक फर्ज है, एंड हमें अपने फर्ज पूरे करने चाहिए. एमपी इलेक्शन कमीशन की आप आइकॉन भी हैं और काफी आपने ब्रांडिंग भी की है वोटिंग के लिए. क्या मानते हैं कितना असर इससे आपको देखने को मिलेगा? मुझे लगता है हम सब सेलिब्रिटीज में बहुत ज्यादा पावर होता है कि हम लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके. हम लोगों को साबुन की टिक्किया या फिर फेयरनेस क्रीम के लिए इन्फ्लुएंस करते हैं, लेकिन अच्छे कामों के लिए बहुत कम आगे आ पाते हैं. ये एक मौका था जो मुझे मिला और मैंने इसे गवाया नहीं. मैंने पूरी कोशिश की कि जितने ज्यादा से ज्यादा लोग हो सके उन्हें मैं प्रोत्साहित करूं कि वो इस दिन मध्य प्रदेश में बाहर आएं और आकर वोट दें. और आगे भी जितने भी इलेक्शंस होंगे, पीपल शुड ऑलवेज गो आउट एंड वोट. मेरी जिम्मेदारी थी, मुझे असल में एक तरह से बोझ के तले दबी थी कि मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और मुझे पूरा प्रयास करना चाहिए कि यूथ को स्पेशली बाहर निकालें, क्योंकि यूथ क्योंकि इतने ज्यादा वर्कड अप होते हैं, अपनी दीन दुनिया में लगे रहते हैं, परेशान रहते हैं काम के बोझ के तले, तो इसे हॉलीडे मान के घर पे बैठ जाते हैं, जो कि बहुत गलत है. हम अगर आज एक अच्छा काम करेंगे, बाहर आएंगे, तो असल में देशभक्त कहलाएंगे. आज के यूथ के लिए कोई मैसेज? क्योंकि आप भी यूथ आइकन हैं. हम तिनका तिनका करके अपना देश बना सकते हैं, ये उस तिनके का पहला हिस्सा है. हम देश को लेके कंप्लेंट न करें तो बेहतर होगा कि हम बाहर निकले और कुछ करें अपने देश के लिए. हम अवेयर हैं, हमारे देश के जो नागरिक हैं हम बहुत अवेयर हैं. हम इको फ्रेंडली हो गए हैं, हम पटाखे नहीं फोड़ रहे हैं आजकल, हम पॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं, हम गौ माता की सेवा में लगे रहते हैं कि वो हम पॉलिथिन बाहर ना फेंकें और माता गौ माता वो ना खाए. हम हर तरह से सजग हैं. आज हम गणपति इको फ्रेंडली बना रहे हैं. जब हम इतने ज्यादा सजग हैं तो फिर वोट देने के मामले में क्यों नहीं? तो यूथ के लिए यही मैसेज है भाई, 5 मिनट निकालिए, जाके वोट देके आइए, बाद में हॉलीडे मनाइए.